जी, प्रवक्ता बीजेपी के वो कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से अवश्य होगी, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया आई है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की। उन्होंने कहा कि मुझे पहले जानकारी नहीं दी गई मेरे अकाउंट को सस्पेंड करने से पहले, और जिस अमेरिकी कानून का हवाला दिया जा रहा है वो सिर्फ हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि किस ट्वीट के जरिए उस कानून का उल्लंघन होता है। लेकिन याद कीजिए, कुछ दिन पहले जब ट्विटर से विवाद हुआ था तो रविशंकर प्रसाद ने यह सख्त चेतावनी दी थी कि ट्विटर को भारतीय कानून को मानना होगा, हमारे हिसाब से चलना होगा। सुनिए, डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये एक अमेरिकी कानून है। ट्विटर ने कहा कि इसके तहत रविशंकर प्रसाद का हमने अकाउंट को ब्लॉक किया था 1 घंटे के लिए, लेकिन वो ये बताने में नाकाम रहा है कि वो कौन सा ट्वीट है। भारत सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने सख्त प्रतिक्रिया दी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे।